आम तौर पे अपनी फसल में ऐसे कीड़ों को देखकर किसान का खून सूख जाता है, लेकिन इन कीड़ों की बात ही कुछ और है। छत्तीसगढ़ के हजारों ऐसे किसान हैं जिनकी जिंदगी में इन कीड़ों ने खुशहाली ला दी है। लाखों कमाने के लिए लाख की ही खेती, सुनने में ये जितना अच्छा लग रहा है उतना ही बेहतर कांकेर के किसानों के लिए है, जो लाख के हरे भरे पेड़ों से बेहतर कमाई कर रहे हैं। पूरा इलाका आदिवासियों का है, वनवासियों का है, जमीन भी यहां बंजर थी। लेकिन अब इसी जमीन पर उगे लाख के पेड़ आदिवासी किसानों की जिंदगी में खुशियां बरसा रहे हैं। दो एकड़ में लगा हुआ है लाख, उसमें क्या है, दो सालाना के मतलब 1 लाख करीब हो जाता है उसमें आमदनी। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड के जंगली इलाकों में लाख के पेड़ लगाना कोई नई बात है, लेकिन सलीके से इससे कमाई करना जरूर नया है। सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले एक दशक में राज्य सरकार का वनोपज विभाग किसानों को प्रशिक्षित कर रहा है, जिससे वो ज्यादा उत्पादन और कमाई कर सके। इसका फायदा यह है कि जो अब तक किसान नहीं थे वो भी लाख से कमाई करने वाले पक्के किसान बन गए हैं। मैं चौकीदार था सर पहले, तो उन्होंने बताया कि आप नामकुम रांची प्रशिक्षण करने जाओगे। वहाँ जग गया सर, मैं 7 दिन तक वहाँ रहा। वहाँ आने के बाद सर मेरे पास पेड़ तो नहीं था सर, लेकिन मैं सीख कर आया और बेरोजगार था सर, तो मैंने एक पेड़ से लगाया सर मैं अपने घर में। तो वहाँ से मुझे बीज बेचा सर, बिहन बीज बोलते हैं उनको, बिहन लाख कहते हैं उनको, बेचा सर तो 40,000 मुझे आमदनी हुआ सर, उससे मुझे धुन सवार हो गया सर। सरकारें ढेर सारी योजनाएं हमेशा लागू करती हैं, लेकिन उस योजना को लागू करने का माध्यम बनता है कोई एक व्यक्ति। इस इलाके में लाख की क्रांति के नायक हैं कांकेर जिले के फिरका दंड गांव में रहने वाले किसान पुरुषोत्तम लाल मंडावी। लाख की खेती में क्या नया किया जा सकता है, ये पुरुषोत्तम ने पहले खुद सीखा। सीखने के लिए पुरुषोत्तम 2004-05 में रांची गए। सबक को अमल में इतना सलीके से लाया कि 2 साल में ही पुरुषोत्तम को मुख्यमंत्री अवार्ड से नवाजा गया। मैंने जब वन विभाग के माध्यम से मुझे सुनने में आया कि लाख का उन्नत ढंग से लाख खेती का प्रशिक्षण कार्यशाला कांकेर में रखा गया है, तो मैंने बड़ा आश्चर्य हुआ कि लाख का भी उन्नत खेती होती है। मैंने फिर उस प्रशिक्षण में, मैंने 5 दिवसीय प्रशिक्षण में भाग लिया और उस प्रशिक्षण के माध्यम से मुझे लाख की उन्नत खेती का कुछ मुझे शिक्षा प्राप्त हुआ। और उसी प्रशिक्षण के दरमियान मुझे भारतीय लाख अनुसंधान नामकुम रांची में भेजा गया, जिसे मैंने 7 दिवसीय प्रशिक्षण, किसान प्रशिक्षण होती है, उस पर मैंने शिक्षा अध्ययन किया। और उस जगह पर मैंने लाख की उन्नत खेती का फील्ड मैंने देखा कि वो लाख हम लोग जो लगाते हैं नेचुरल, जो परंपरा ढंग से लाख की खेती होती थी, इस पर एक कुसुम में औसत जो है 4 से 5 किलो हम लोग लाख लेते थे। और जब मैंने वहाँ जाके देखा कि एक कुसुम पेड़ में औसत 50 किलो से लेके 1 क्विंटल तक के लाख के उत्पादन मैंने देखा। पुरुषोत्तम को सम्मान, पैसा सब इसी लाख की खेती से मिला, तो पुरुषोत्तम ने भी दूसरे ढेर सारे किसानों को लाख की खेती से कमाई का तरीका सिखाकर इस सम्मान को आगे बढ़ाया है। पुरुषोत्तम की प्रेरणा से लगभग पूरा गांव लाख की ही खेती करने लगा है। सबसे पहले तो मैंने प्रशिक्षण के बाद अपनी गांव के जितने भी नज़दीक मेरे खुद की ज़मीन में जितने भी कुसुम या पलास, बेर, इस तरह के पेड़ों में मैंने शुरुआत किया आधुनिक ढंग से। तो उस पर जो फसल दिखी और उस फसल से लोगों को दिखा कि वाकई में आपका फसल और हमारी फसल में बहुत अंतर है, तो ये फिर मैंने समझाया किसान लोगों की, भाई हम लोग जो खेती करते हैं, हमारी जो पेड़ है, उस पेड़ पर हम लोग किस तरह के कम खर्च में, कम लागत में और कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे खेती करें। इसकी मैंने पहली दफा मैंने अपनी खुद किया, उसको देख के किसान जो प्रभावित हो गए कि हमें भी बताओ, तो फिर लोगों को मैंने बताना चालू किया। आज गांव में हमारे यहाँ लगभग जो है 80 परिवार में से 70 परिवार जो है लाख की खेती से आय अर्जित कर रहे हैं। सरकारें थोड़ा बहुत करें तो किसान बहुत कुछ करने को तैयार हो जाता है। छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ। गेहूं चावल की तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है।
100 से 150 रुपए प्रति किलो पर बिकने वाले कुसुमी लाख के लिए 230 रुपए प्रति किलो और रंगीनी लाख के लिए 320 रुपए प्रति किलो की कीमत घोषित की गई है। केवल कांकेर जिले में इसके लिए सरकार ने करीब 50 संग्रहण केंद्र बनाए हैं, जहां छत्तीसगढ़ लघु वनोपज विभाग ने इस साल 300 क्विंटल कुसुमी और 100 क्विंटल रंगीनी लाख की खरीद की है। हालांकि कई किसानों को फिलहाल इस सरकारी फैसले की जानकारी न होने के कारण अगले साल इसमें खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। साल में हाँ बाजार में बेचे हैं तो मैं घाटा खा गए, ये साल सरकारी जो रेट आई 320 रुपये में तो मुला फायदा हुई। पिछले साल कौन सा किस रेट पे बेचे थे? वो 100-120 रुपये बाजार में कोचिया व्यापारी मन कर बेचे रहे हैं, अभी साल शासन है जो लेस ते में फायदा हुई। इन साल जो लाख 120 रुपये में बेचा हूँ तो शासन ने 320 रुपये में जो खरीदा थे उसी में मैं अपना जो सूखा लाख तैयार करके रखूँगा। किसानी से बेहतर कमाई होने लगे तो किसानी को लेकर समझ भी बेहतर हो जाती है। यहाँ के वनवासी इलाकों में ये समझ मजबूत हुई है। बिना किसी बड़े उद्योग के खेती से ही यहाँ के लोगों के जीवन स्तर में तेजी से बदलाव हुआ है। 5 पेड़ में शुरुआत किया सर, वहाँ से मुझे फॉरेस्ट विभाग ने फिर मैं बताया कि मेरे 5 पेड़ में लाख लगा हुआ है सर, तो उसने फिर खरीद किया सर बिहन के बीज रूप में। बीजा फिर मैंने 3 क्विंटल बेचा सर, उस समय करीब करीब 100 रुपये किलो था सर, लकड़ी के साथ बेचा सर, तो उससे मुझे 4 क्विंटल में 40,000 फिर आमदनी हो गया सर, और 6 लाख फिर मैंने मार्केट में बाजार में बेचा सर 10,000 का, तो कुल टोटल मुझे 50,000 हुआ सर। उस पर से धीरे धीरे गांव में भी पता चला कि फलाना राम लाख लगाता है, तो चढ़ने में चढ़ नहीं सकते से सर, किसी किसान के पास समय नहीं मिलता, वो मेरे झाड़ में लाख लगा लो। तो मैंने किसान से बात किया सर, तो अधिया में बात हुआ, तो अधिया मैंने लगाना शुरू किया हूँ सर, और अभी मेरे पास करीब करीब 50 पेड़ से ज़्यादा हो चुका है सर। बहुत से किसान मेरे पास आते भी हैं, मैं बहुत से अपना जीवन स्तर को ऊँचा किया हूँ सर, और मेरा एक सिद्धांत है सर कि मैं ना कमाऊँ पूरे किसान कमाए, ऐसे मैं जोर प्रसार में लगा हुआ सर जी। मैंने लाख की खेती जब शुरू किया था उस समय तो मेरी आर्थिक दशा इतनी कमज़ोर थी कि मैंने अपनी आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं सिर्फ जो है 12वीं तक की पढ़ाई किया। उस समय मेरी घर की दशा जो है इतनी ख़राब चल रही थी, और मैंने जब लाख के काम शुरू किया, जब आर्थिक आय की जब स्रोत मुझे बढ़ने लगा उस पर, मैं धीरे 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 करते करते जो है आज स्थिति ये बन चुका है कि मैंने अपने घर में ट्रैक्टर भी खरीद लिया, दूसरा मैंने कुछ ज़मीन भी मैंने बढ़ाया, आज दो मैंने ट्यूबवेल भी कराया, और आज अभी आप देखे हैं कि मेरे जितने भी लाख के काम में मैंने पौधे का विस्तार किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले से ही स्थानीय स्तर पर लाख की प्रोसेसिंग के लिए छोटे छोटे केंद्र खोल रखे हैं, जहां प्रोसेस होने के बाद लाख की कीमत बढ़ जाती है। अब राज्य सरकार ई नीलामी के जरिए लाख बेचने की योजना ला रही है, जिससे किसानों को बड़ा बाजार और अभी से ज्यादा कीमत मिल सकेगी। सरकार लाख के किसानों की बेहतरी के लिए काफी कुछ काम कर रही है। ई वैल्यू एडिशन करके संग्राहकों को अधिक से अधिक मूल्य देने का विचार से ये कर रहे हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है कुछ क्षेत्रों में, वो जो स्वसहायता समूह में काम कर रहे हैं उनको काम देने का विचार से ये प्रारंभ किया गया है। हम लोग जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो कलेक्ट करने वाले वनोपज का पूरे रिकॉर्ड रखते हैं, कौन संग्राहक से कितना कलेक्शन हुआ पूरे रिकॉर्ड हमारे पास रहता है, उसके आधार पर भी प्रॉफिट मिलता है। जैसे पहले से तेंदुपत्ता का लाभांश राशि उनको ट्रांसफ़र करते हैं, उनको समिति को देते हैं और उसमें संग्राहकों में बांटते हैं, उसी प्रकार इसमें भी वही सिस्टम लागू करने का विचार से ये कर रहे हैं। जाहिर है लाख की खेती से रची जाने वाली विकास कथा में अभी कई और पन्ने जुड़ने बाकी हैं। जरूरत है तो बस ऐसे प्रयोगों को दूसरी फसलों में भी दोहराने की, ताकि वनवासी क्षेत्रों में भी विकास की बयार पहुँच सके। लाख का इस्तेमाल खाने पीने की चीज़ों से लेकर दवाइयों, कॉस्मेटिक्स, पेंट इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों में होता है। जाहिर है इसके खरीदार बड़ी बड़ी कॉरपोरेट दिग्गज कंपनियां हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करना और आने वाले दिनों में इसे बेचने के लिए ई ऑक्शन की व्यवस्था करना कुछ ऐसे कदम हैं जिससे लाख के किसानों की स्थिति में काफ़ी सुधार आ सकता है।
mandi.com के लिए कांकेर जिले के त्रिकादंड गांव से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।